अयोध्या में एक और दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि में भूमि पूजन होगा। इससे पहले 3 और 4 अगस्त को पूरे अयोध्या को दीपों से रोशन करने की योजना है। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद राम भक्त 5 अगस्त को अपने घरों और मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करेंगे। दिवाली तो अभी दूर है, लेकिन महज हफ्ते भर बाद अयोध्या एक और दिवाली के लिए तैयार है। घर घर दीपों से रोशन होंगे। अयोध्या का कोना कोना दिए की रोशनी से जगमग होगा। सरयू का किनारा, तमाम मंदिर, तमाम सड़कें, हर जगह उल्लास की रोशनी होगी। आयोजन इतना भव्य कि जब भी दुनिया में कहीं कोई दिए का नाम लेगा तो उसे भगवान राम की भूमि अयोध्या की याद आएगी। आप सोच रहे होंगे, अगस्त के महीने में ऐसा क्या हो रहा है कि अयोध्या में दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल ये 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन का हिस्सा है। 5 को प्रधानमंत्री मंदिर भूमि पूजन के लिए आएंगे, लेकिन इससे पहले 3 अगस्त से ही भव्य माहौल बनना शुरू हो जाएगा। कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 5 अगस्त के पीएम और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि 3 दिन से यानी 3 रक्षाबंधन से हमारा प्रयास होना चाहिए कि लगातार 3 दिनों तक हर मंदिर में चूंकि सालों के इंतजार के बाद अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, लिहाजा उस दिन के उल्लास को फिर से दोहराने की तैयारी है जैसा भगवान राम के आगमन पर हुआ था। 3 अगस्त से ही अयोध्या के तमाम मंदिरों में संकीर्तन शुरू हो जाएंगे। तमाम साधु संत राम पाठ करेंगे। इस मौके पर स्वच्छता के कोविड-19 से संबंधित तमाम एहतियात बनाए रखने पर खासा जोर दिया गया है। सारा जोर दिव्य और अलौकिक माहौल बनाने पर है। ये आयोजन सिर्फ भारत में ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर में 5 अगस्त के लिए वीएचपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके लिए देश और दुनिया भर के राम भक्तों से वीएचपी के महासचिव मिलंद परांडे ने अपील जारी की है। राम भक्तों से अपील की गई है कि 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से साधु संत चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अपने आश्रमों, मंदिरों, मठों में भगवान की पूजा और कीर्तन करें और प्रसाद बांटें। दुनिया भर में फैले तमाम श्रद्धालुओं से भी ऐसा ही करने की अपील की गई है। लोगों से अपील की गई है कि इस मौके पर अपने घर, मोहल्ले, बाजार, आश्रमों और धार्मिक स्थलों को सजाएं, प्रसाद बांटें और शाम को दिया जलाएं। राम भक्तों से अपने इलाकों में भव्य राम मंदिर के लिए दान करने का संकल्प लेने को भी कहा गया है। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन को पूरे देश में बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। लोगों से वीएचपी ने अपील की है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अयोध्या आने की जगह अपने घरों में ही इस आयोजन को धूमधाम से मनाएं। बस 1 हफ्ते बाकी है, राम भक्तों का सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।